इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 23 मुकाबले पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुंबई इंडियंस की कहानी नहीं बदली है। मुंबई के पलटन ने कोशिश तो भरपूर की, लेकिन पंजाब किंग्स के सामने पांच बार के चैंपियंस को पांचवीं बार हार का सामना करना पड़ गया है, जिसके बाद मुंबई की किस्मत में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब के शेरों ने आईपीएल की अंक तालिका में जबरदस्त छलांग लगा दी है। तो आखिर पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच के बाद कैसी दिख रही है पॉइंट्स टेबल, आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। 13 अप्रैल को मुंबई इंडियंस की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में पंजाब किंग्स से भिड़ी, लेकिन यहां भी रोहित के पलटन को भरसक प्रयास के बाद भी निराशा हाथ लगी है और इसी के साथ पांच बार की विजेता को मिल गई है इस सीजन की पांचवी हार। वहीं पंजाब किंग्स ने जीत के साथ जबरदस्त कमबैक किया है और इस अंक तालिका में अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली है। अब दोस्तों मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स मैच के बाद एक नजर पॉइंट्स टेबल पर डालें तो फिलहाल चार में से तीन जीत और एक हार के साथ राजस्थान रॉयल्स शिखर पर विराजमान है और रजवाड़ों का नेट रन रेट सभी 10 टीमों में सबसे बेहतर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक मिली करारी हार के बाद श्रेयस अय्यर के नाइट्स राइडर इस वक्त पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर काबिज है। केकेआर पांच मुकाबले खेल चुकी है और इसमें उनके नाम तीन जीत और दो हार दर्ज है। नाइट्स के खाते में भी 6 अंक दर्ज हैं और यहीं पर आईपीएल की अंक तालिका में बड़ा बदलाव हुआ है। कल तक जहां लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तीसरे पायदान पर काबिज थी, वहीं अब पंजाब के एक धमाकेदार जीत के बाद किंग्स सातवें से जबरदस्त छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पांच मैच में तीन जीत और दो हार के बाद पंजाब किंग्स के 6 अंक हुए हैं और पंजाब के शेयर टॉप 4 में एंट्री कर चुके हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे से चौथे स्थान पर खिसक गई है। केएल राहुल की अगुवाई में एलएसजी ने पांच में से तीन मैचेस जीते हैं, जबकि दो में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं गुजरात टाइटंस टॉप 4 से बाहर हो गई है। पंजाब के जीतने से गुजरात चौथे से पांचवें पायदान पर खिसक गई है। टाइटंस के भी चार में से तीन जीत और 6 अंक है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पांच में से तीन जीत दो हार और 6 अंक के साथ छठवें पायदान पर खड़ी है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों टीमों ने चार में से दो मुकाबले जीते हैं, जबकि दो में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन बेहतर नेट रन रेट होने के कारण दिल्ली कैपिटल्स सातवें और सनराइजर्स हैदराबाद आठवें पायदान पर खड़ी है। जबकि कल डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स को मिली पहली जीत के बाद चेन्नई 9वें पर है। वहीं पंजाब से हारने के बाद मुंबई इंडियंस बिल्कुल आखिरी स्थान पर लटकी हुई है। पांच बार की विजेता टीम का अभी तक खाता नहीं खुला है और जिस तरह से मुंबई खेल रही है उनका यहां से वापसी करना मुश्किल ही दिखता है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या पांच बार के बाद भी मुंबई इंडियंस यहां से वापसी करने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।